बाहर इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बात करें हम इंडिया के आईपीएल और बीसीसीआई की, तो आईपीएल टीवी ऑनलाइन जो है पूरी दुनिया में ये प्लेटफॉर्म हर जगह देखा जाता है। टीवी चैनल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है आईपीएल देखने में जो इंटरेस्टेड है, बीसीसीआई ने उनके मीडिया राइट्स खरीद लिए हैं और 50,000 करोड़ जो है वो इधर से कमा लेंगे। और तो और उन्होंने बीट कर दिया है इंग्लिश प्रीमियर लीग को, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इससे पता चलता है कि बीसीसीआई का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ता ही जा रहा है। इसका एक कंपैरिजन आज हम बीसीबी से करेंगे और पाकिस्तान की पीएसएल से करेंगे। तो आइए लोगों के जाने बढ़ते हैं और उनसे राय जानते हैं इस पर। तो आइए मेरे साथ। ये पीएसएल का पता है दान? जी पीएसएल। आईपीएल का पता है? जी इंडिया लीग है, क्रिकेट लीग, और ये पीएसएल जो है पाकिस्तान क्रिकेट लीग है। आईपीएल टीवी ऑनलाइन सब जगह देखा जाता है, ठीक है। और तो टीवी चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आईपीएल देखने में इंटरेस्टेड है, बीसीसीआई उसकी मीडिया राइट्स खरीद लेता है। बीसीसीआई आराम से 50,000 करोड़ कमा लेता है। ईपीएल को भी बीट कर दिया है आईपीएल ने, इतना एक्सपेंसिव मीडिया राइट्स उनके भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगी कि बीसीसीआई ने ये राइट्स खरीद लिए हैं और वो ईपीएल को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया? वाओ, दैट इज़ सो अमेजिंग। देखें, आईपीएल मैंने जब से देखा है, मेरे ख्याल से मुझे 3 से 4 साल हुए हैं आईपीएल पे ना मैंने फोकस करना शुरू किया है। देखा है मैंने आईपीएल को, इतनी इंडोर्समेंट, इतना उन्होंने पैसा लगाया है, ग्लैमर ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और स्पेशली टैलेंट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, प्लेयर्स उनके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर 50,000 करोड़ यू सेड, 50,000 करोड़, मतलब दैट इज़ सो अमेजिंग, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मतलब इतना ज़बरदस्त लग रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है। काश मैं इंडिया से होती और मैं ज़्यादा कह सकती हूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ इंडिया। देखिए, इस वक्त आप यहाँ से कंपैरिजन करवा लो अगर पीएसएल और आईपीएल का, तो पीएसएल बहुत 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 ज़्यादा पीछे है। ऑल्दो वी हैव वेरी 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 टैलेंटेड गुड प्लेयर्स एज वेल, बट एक वो तो होता है ना इंडोर्समेंट, उसको पुश करना, आगे लेके जाना। अभी देखें इंग्लिश प्रीमियर लीग को पीछे छोड़ गया है, दैट इज़ सो अमेजिंग। मतलब वो एक अपने आप में एक ब्रांड है, उसको अगर पीछे छोड़ दिया आईपीएल ने, तो मुझे नहीं लगता कि अब आई थिंक कुछ रह गया है कि सुपर पावर बन जाए इंडिया सो सून। नो डाउट, वो बहुत बड़ी लीग और ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो आप बता रही हैं। तो आईपीएल शुरू फर्स्ट हैंड या आईपीएल ने लिया लीग्स में, और आईपीएल वाकई बहुत बड़ी लीग है और नो डाउट कि वो हर रिकॉर्ड तोड़ेगा। उसकी स्ट्रीमिंग ऐसी होनी चाहिए, बिकनी भी ऐसी चाहिए, अगर टीवी की स्ट्रीमिंग बहुत बड़ी उनकी है तो, क्योंकि फॉरेन प्लेयर बहुत ज़्यादा, तो वंडरफुल, जस्ट वंडरफुल। तो आईपीएल देखें बेसिकली इंडिया का ही है, ठीक है, उनकी लीग ही है। तो वो अगर अपना फ़ायदा ही सोच रही है ना, अगर खरीद लिया उसने तो अच्छी बात है कि चले वो बिज़नेस करेंगे, जैसे आप बता रहे हैं 50 करोड़ का बिज़नेस करेंगे, ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। हमारे भी पाकिस्तान में अगर पीएसएल होता है तो हमारे मीडिया को भी ये चीज़ें, इनको भी शऊर होना चाहिए कि ये किस तरह से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। फ़ायदा तो इसमें इनका अपना ही है ना, इंडिया का फ़ायदा, ठीक है, वो बिज़नेस कह रहा है, कमा रहे हैं, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि बाकी अदर कंट्रियों की नस्बत वो बेहतरीन बिज़नेस कह रहा है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है उनके लिए, बेहतरीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा। उसके अलावा आईपीएल एक बहुत बड़ी गेम है, ठीक है, अगर हम उसे ले लेना तो वहाँ पे एक एक खिलाड़ी जो है ना वो करोड़ों में जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम अगर मैं उसे पीएसएल के साथ उसकी बात करूँ ना, तो हमारे यहाँ पे जो खिलाड़ी टॉप खिलाड़ी है वो लाखों में आता है, ठीक है। आईपीएल जितना कमाता है वो उतना इन्वेस्ट करता है और फिर उसका उसे रिस्पॉन्स भी मिलता है। देखें, इंडिया हर चीज़ में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आईपीएल के अलावा भी मैं अगर बात करूँ ना, हर चीज़ में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब वो अपने सहारे पे चल रहा है, खुद ही चल रहा है, ठीक है। तो फिर वही कहूँगा, जितनी उनकी अर्निंग है ना आईपीएल से, ठीक है, क्योंकि अगर उनका क्राउड बहुत सपोर्ट करता है उन्हें, ठीक है, हमारे यहाँ पे मैच हो रहा हो ना, हमारे हाउसफुल नहीं होता, और उनके स्टेडियम्स माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हैं, तो उनका हर मैच में आप जो है ना, लार्जेस्ट स्टेडियम जो है वो इंडिया में अहमदाबाद में पाया जाता है, बिल्कुल, और उनका हर स्टेडियम आप फुल देखेंगे, हाउसफुल देखेंगे हर मैच में, उनका क्राउड बहुत सपोर्ट करता है। उसके अलावा उन्हें स्पॉन्सर बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है, और 50,000 करोड़ भी कमा लेंगे वो स्पॉन्सर से, इससे ज़्यादा कमा लेंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस है आपको आईपीएल में कि पीएसएल हमारा कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखें, आईपीएल एक बहुत पुरानी गेम है, ठीक है, पीएसएल अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पीएसएल के 7 सीजन हुए हैं अभी, तो पीएसएल को एक बहुत टाइम है, ठीक है। अगर आप मुझे कहें कि कंपेयर करो इन दोनों में, मैं तो पीएसएल को करूँगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे, लेकिन आईपीएल बहुत दूर की गेम है, पीएसएल में अभी बहुत टाइम। पब्लिक को मैं यही कहूँगा, पब्लिक सपोर्ट करें, इंशाल्लाह हमारी गेम भी अच्छी है और हम एक अच्छे लेवल पर आ सकते हैं।
बेटे आप आईपीएल को और पीसीएल को लेके बैठ गए हैं, सबसे बड़े आईपीएल तो पीसीएल हमारी समलियों में हो रहे हैं, हमने आईपीएल और पीसीएल को क्या करना, ये देख देख के हम तो पागल हो रहे हैं। ये देख लो किस तरह कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, समलियों में जनाब मार कुटाई, यहाँ तक कि वो हमारी डॉक्टर साहबा को भी डंडे मारे गए। क्या इस कौम ने उसका क्या किया? उस डॉक्टर साहबा का क्या नाम है वो पीटीआई वाली, वो हमारी माँ है किस्म की, उसके पाकिस्तान में इतने शिगिरद हैं, उसकी गाड़ी को डंडे मारे गए, ना कौम बोली, ना हुकूमत बोली, ना कोई। क्या बेटे इस मुल्क में क्या जीना किसी ने, क्या आईपीएल, क्या पीसीएल। बस अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, आपने मुझे टाइम दिया तो मैंने जो कहना था कह दिया, बस अब तो रोटी ही आईपीएल बनी पड़ी है, रोटी ही सीसीएल है, एक वक्त का खाना खा लें बड़ी बात है, हमारे बच्चे तो सारा सारा दिन भूखे रहते हैं, हमें आईसीसीएल। ये दसो इंडिया दी जो आईपीएल हैगी है और पाकिस्तान दी पीसीएल जो हमारी जो पीसीएल हो रहा है वो देखो लो बहुत आगे चलेगी है, की कहोगे तुसी? बेटे असल वो खेल पे बड़ी तवज्जो देते हैं, हमारे ग्राउंड खाली पड़े हैं, जब कौमें परेशान हो ना तो कहाँ वहाँ खेल पे कौन तवज्जो देगा, ना आपको खेल खेलता है ना कोई खेल देखता है, इसलिए वो आगे जा रहे हैं, उस उनकी तवज्जो है, वो खिलाड़ी पैदा करते हैं। हम गुर्बत और परेशानी पैदा करने वाला मुल्क है, यहाँ अब कुछ नहीं होता, अब बर्बादी होगी, हमारे खेल और ग्राउंड तबाह हो जाएंगे, और ख़ास तौर पर कोई अच्छे हुक्मरान आए तो मैं कहता हूँ कि ये कौम ही तबाह बर्बाद हो जाएगी। अब पीसीएल क्या रहा, बस और क्या बताऊँ बेटा इसको। मैम इसमें आप देखें कि बहुत बड़ी बात है, उन लोगों ने लीग शुरू की, उन लोगों की लीग बहुत बड़ी चली गई, उनको इतनी ईयर्स हो गए, उनकी टीमें देखें, मेरी केकेआर फेवरेट टीम है, तो वो पैसा खर्च करते हैं, फॉरेन प्लेयर को अपने आप बुलाते हैं, तो उनकी पब्लिक देखें, पूरी मार्केट एक पब्लिक की है, तो जैसे जैसे वो यानी कि प्लेयर्स आते हैं, हर प्लेयर के हर बंदे के अपनी चॉइस होती है प्लेयर के लिए, आपको एक लीग में सभी प्लेयर देखने को मिलेंगे तो आपको ज़्यादा व्यूअरशिप मिलेगी, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो 50,000 करोड़ बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है, और इतना तो पाकिस्तान का आई थिंक बजट भी नहीं होगा एक साल का, तो बहुत बड़ी अमाउंट है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? इंडिया का इन्फ्लुएंस हर फील्ड में ही डे बाय डे बहुत बढ़ता जा रहा है। देखें सुबह उठ के फ़ोन चेक करते हैं, रात को बैठ के फ़ोन चेक करते हैं, तो कोई ना कोई न्यूज़ आ रही होती है, इंडिया डिड दिस टुडे। तो मतलब हर फील्ड में प्रोग्रेस हो रही है डे बाय डे। और ये आईपीएल को आगे लेके जाना, वो भी इंग्लिश प्रीमियर लीग को टक्कर दे के उसको पीछे छोड़ना, दैट इज़ लाइक द वेरी 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 ह्यूज थिंग फॉर इंडिया। बहुत प्रोग्रेस कर चुका है इंडिया इस मामले में। इंडिया का इन्फ्लुएंस डे बाय डे डेफिनेटली बढ़ता जा रहा है, एंड देर इज़ नो स्टॉपिंग। आपने अभी बताया कि BCCI को बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं एक वेट हासिल है उसकी। देखें यहाँ से आप देख लें कि इंडिया ने कितनी प्रमोशन की है अपने क्रिकेट को लेके, हर साल IPL आता रहा है, और उसमें भी देखें आपने डिफरेंट टीम्स आई हैं, और वो डिफरेंट टीम्स को रिप्रेजेंट किन्होंने किया है, बॉलीवुड प्लेयर्स ने किया, बॉलीवुड एक्टर्स ने किया है, बड़े बड़े जो इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने किया है। तो आप यहाँ से देख लें कि अगर IPL उन्होंने प्रमोट किया है, तो वो ये भी देखें कि पूरे इंडिया से जितने लोग हैं, जितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो सारे के सारे IPL से जुड़े हुए हैं। आप ये भी देखें, PSL के पास ये वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है। मुझे नहीं पता कि PSL की लाहौर की टीम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कराची को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बट आई नो कि IPL की कौन सी टीम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है और वो किसकी टीम है। तो देखें इतने बड़े बड़े नाम अगर जुड़े हैं तो वो इसको एक कहते हैं ना, एक इंडोर्समेंट उसकी अपने से ही हो गई है, पब्लिसिटी इसकी आप हो गई है। तो ऑब्वियसली उन्होंने IPL ने बड़ी ही जल्दी अपना सिक्का जिसे कहते हैं मनवाया है पूरी दुनिया में बहुत अच्छे से। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया का जो BCCI और IPL का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल दी वर्ल्ड मज़ीद तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है? वो जारी बात है, उनकी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ठीक है, हर लिहाज में, सिर्फ मैच नहीं देखे हैं, बाकी कंपनी ब्रांड जितने भी हर लिहाज में वो तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, चाहे उनके कोई सियासतदान है, चाहे उनके कोई बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, हर कोई तरक्की कर रहा है। उनका मीडिया भी देखें, अब इतना फास्टली हो गया, अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो जारी बात अपनी हुकूमत को भी टैक्स देगा, उसको अपने कंट्री के लिए भी वो कुछ ना कुछ करेगा, अपनी हुकूमत के लिए भी कुछ ना कुछ करेगा, तो अच्छी बात है, ऐसे वो अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, माशाल्लाह, अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, कोई भी कंट्री या हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए जो अच्छा काम कर रही है।
सही हो गया। क्या अगर हम इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, वैसे तो बनता नहीं है आईपीएल वर्सेस पीएसएल, आप क्या कहना चाहेंगी कि हमारा जो पीएसएल है वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और आईपीएल आज की डेट में इतना कहाँ इतना आगे कैसे निकल चुका है? देखिए, आईपीएल फर्स्ट ऑफ ऑल इस वजह से आगे निकल चुका है कि वहाँ पर टैलेंट की कदर है, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडेड हैं आई थिंक वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, और जो स्पेशली मोदी की गवर्नमेंट आई है बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रोग्राम सामने आए हैं जिसमें क्रिकेट को प्रमोट किया गया है। आईपीएल को ही देख लें, अब यहाँ पे अगर आप इसको मुझे पाकिस्तान से कंपैरिजन करवाने का कह रही हो पीएसएल से, तो वो तो खैर फेयर बात होगी नहीं। ऑल्दो वी हैव वेरी गुड प्लेयर्स, हमारे बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, बाबर आजम भी हैं, बट स्टिल पीएसएल अभी बहुत ज़्यादा पीछे है आईपीएल से। मैं मतलब बिल्कुल वो कहते हैं ना, रेस में नहीं आ सकता। आईपीएल अगर इस वन पर जा रहा है, इंग्लिश प्रीमियर लीग दूसरे पे जा रहा है, तो जो पीएसएल है वो आई थिंक 9-10 पे आराम से। सर, क्या आज की डेट में हमें इंडिया के आईपीएल और बीसीसीआई से सीखते हुए अपने पीसीबी को भी चाहिए कि हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए? जिस हिसाब से वो कमा रहे हैं और जिस तरह वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो मतलब मीडिया राइट्स खरीद रहे हैं, क्या हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए? देखें, वो कहते हैं ना, हर काम जो है ना अनोखा करना चाहिए, ठीक है। हमारे जो अभी रमीज राजा साहब हैं, अगर तो ये रहे तो हमें बहुत उम्मीदें हैं इनसे कि ये बहुत बेटर करेंगे, और ये बहुत बेटर कर रहे हैं। पिछले पीएसएल के मुकाबले में इस दफ़ा का जो पीएसएल हमारा वो बहुत बेहतरीन हुआ है, ठीक है। तो अगर यही रहे तो हम करेंगे इंशाल्लाह, और कुछ बहुत कुछ जो है ना वो दुनिया क्रिकेट से भी सीखने को मिलता है हमें। सीसीआई है, उसका इन्फ्लुएंस ओवरऑल द वर्ल्ड बहुत तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है, और आईपीएल का तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्या कहेंगे? वो देखें ना, उन्होंने अपने आईसीसी में भी पूरा पैर जमाया हुआ है, उनकी पब्लिक बहुत ज़्यादा है, उनकी क्रिकेट बड़ी डिवॉल्व हो चुकी है। नो डाउट पाकिस्तान की भी आप देखें तो अब क्रिकेट माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है बाय परफॉर्मेंस, लेकिन बजट के लिहाज से पाकिस्तान बहुत पीछे है। पाकिस्तान में अब बल्कि इतनी महंगी बिकेगी नहीं, अगर इतना महंगा अगर हम लगा भी देते हैं खरीदेगा कौन 50,000 करोड़ में? इतने में तो पाकिस्तान के कर्जे उतर जाते हैं जितने में उन्होंने बेच लिए। तो वो वंडरफुल बीसीसीआई की देखे ना, तो मैम बहुत आगे जा चुकी है। बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो किसकी वजह से करते हैं? सिर्फ आईपीएल की वजह से करते हैं। आईपीएल से उनको काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है, ठीक है, लेकिन वो एक अलग ब्रांड है, वो अभी बहुत दूर है। अभी पाकिस्तान को कम्पीट करना चाहिए वो बिग बैश से या बीबीएल से या वो कैरेबियन प्रीमियर लीग से, वो तो अभी आईपीएल से तो कंपेयर करना बेवकूफ़ी है बिल्कुल। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की डेट में जो है पाकिस्तान की जो पीएसएल है और पीसीबी है वो कहाँ पर स्टैंड करी है? इंडिया का जो आईपीएल है और बीसीसीआई है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस रख रहा है एज़ कम्पेयर टू पीएसएल, क्या कहेंगे? तो जाहिर बात है कि देखें, अगर इंडिया जैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, उनका आईपीएल दी है, बाकी मैच भी जो जितने भी करवा रहे हैं, जैसे वो तरक्की करते नज़र आ रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में भी होना चाहिए। पीएसएल है या जितने भी यहाँ मैच होते हैं, इनको भी लोगों को अब भूल चुका है शायद क्रिकेट मैच का, पाकिस्तान की ये सिचुएशन बन चुकी है, इन लोगों को पता ही नहीं है कि मैच कब हो रहे हैं, कहीं कब नहीं हो रहे। तो उसकी रीज़न ये है कि शायद पाकिस्तान में बजट नहीं दे रहे क्रिकेट टीम को, या क्या कह रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही कि स्पोर्ट पे कुछ भी इन्वेस्ट नहीं हो रही। तो हम यही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए भी कोई ना कोई ऐसे कदम उठाने चाहिए। देखिए, इंडिया कोई भी अच्छा काम करता है तो उनकी तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है, सिर्फ इंडिया में नहीं, ठीक है। तो इससे वो अपना नाम भी रोशन करें या बिज़नेस भी करें, अपनी कंट्री का नाम भी रोशन करें। तो पाकिस्तान को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जिससे पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो, या बिज़नेस भी कर सके, और अपनी हुकूमत के लिए भी कोई ना कोई तावन कर सके। सही हो गया। क्या आज की डेट में हमारे पीसीबी को बीसीसीआई से सीखते हुए काम करना चाहिए? तो सारी बात है ना, यही मैसेज तो मैं देना चाह रहा हूँ कि इनको भी ऐसे ही मैसेज काम करना चाहिए जिस तरह से कि इंडिया कह रहा है, ठीक है। इंडिया देखें, पाकिस्तान के बराबर मुल्क था, इनका और उनका इतना डिफरेंट नहीं था जितना आज वो तरक्की कर चुका है इंडिया, ठीक है। तो यही पाकिस्तान को भी चाहिए कि ये क्यों पीछे जा रहे हैं हल्का, इनको भी पता है कि इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, हमारी हमेशा से उनके साथ अदावत रही है। तो जो काम वो अच्छा करते हैं हमें चाहिए कि अगर हम उनको फॉलो नहीं कर सकते, चले अपने माइंड के मुताबिक जितना अच्छा हम कर सकें हमें करना चाहिए। हमारा हम देखें, हम मैच देखने वाले बंदे हैं और भी लोग देखते हैं, लेकिन ये मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जिस तरह से अब फ्लाप होती जा रही है, शायद ये ऐसा ऐसा बिल्कुल रिवाज ख़त्म ही हो जाएगा क्रिकेट का। तो क्या कहना चाहेंगे सर आज की डेट में आप इस हवाले से क्या सोचते हैं कि इंडिया का जो बीसीसीआई है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है पीसीबी से, और क्या हमारे पीसीबी को इंडिया के बीसीसीआई से सीखते हुए काम करना चाहिए? कौन सीखता है? यहाँ पर कोई नहीं सीखेंगे, हमने तो उनको दुश्मन समझा हुआ है, वो तरक्की किए जा रहे हैं, हम अपनी दुश्मनी लेकर बैठे हुए हैं, और हमसे तो बांग्लादेश का बोर्ड आगे जाया जा रहा है यार, तो हमने उनको क्या उनका कवर करना है या उनसे क्या सीखना है?
मैनेजमेंट का बहुत फ़र्क होता है। अब रमीज राज जाए तो थोड़ा देखे बेहतरी आई है, वो अपने मैनेजमेंट में अपने क्रिकेटर्स लाते हैं, हम अपने शासदान ले आते हैं, फ़र्क देखे ना। हम आप एक एंकर हैं तो आप एक किसी और को पकड़ के मैकेनिक को इधर ले आएंगे तो वो आप जैसा वर्क नहीं कभी भी कर सकेगा, क्योंकि अगर मैं स्क्रीन पर एक एंकर को लेकर आऊँगा तो वो अच्छा बोलेगा, इसी तरह के एक बोर्ड में क्रिकेटर को लेकर आऊँगा उसका फ़र्क होगा, ना कि एक सियासतदान का। हर चीज़ में सियासत घुस हुई है, पाकिस्तान के स्कूल्स में सियासत है यार, तो आप क्या तरक्की करेंगे। हम नहीं सीखते किसी से, हमने तो उनको काफ़ी समझा हुआ है। थैंक यू जी। तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे फेसबुक पे जाकर रिबाह इमरान 786 से लिख कर मुझे सर्च करें, फॉलो करें और मुझे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।